मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो अच्छा मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 13वां वचन हम पढ़ें। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहां पर प्रभु यीशु सिखाते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा आएगा जो सत्य है, वो हमें हर सत्य में चलाएगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्जा, उसे अपने स्वरूप और समानता में सिर्जा, मिट्टी का पुतला बनाकर परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। हमें इस बात को अच्छी तरह समझना है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को या सत्य की आत्मा को मनुष्य के अंदर नहीं फूंका, वरन जीवन का श्वास ही फूंका था। अगर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर या परमेश्वर की आत्मा या सत्य की आत्मा मनुष्य के अंदर उस दिन आ गई होती तो मनुष्य ने कभी पाप में गिरना नहीं था, शैतान के चुंगल में फंसना ही नहीं था। उतना सिर्फ नहीं, मनुष्य को कभी सिद्धता में बढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले क्षण से ही सिद्ध होता। आदम बेशक अदन बगीचा में रहता है तो भी उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, ना ही आदम हमारी तरह मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया था। प्रभु की मर्जी हुई तो आने वाले दिनों में हम इस विषय को सीखेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम मनन कर रहे थे कैसे मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। स्वर्गीय स्थानों में बैठना इस संसार की बातों से बिल्कुल भिन्न है, वो अनुभव ही अलग है। लेकिन वहां वास करना है, बैठना है तो सत्य का आत्मा मदद करना है ताकि हम सत्य में बने रहें, क्योंकि जैसे पवित्रता ही स्वर्ग का मापदंड है वैसे सत्य भी वैसा ही मापदंड है। प्रभु यीशु का जीवन हमें सिखाता है कि पवित्रता ही और सच्चाई को आप कभी अलग नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने पूरे अधिकार से कहा कि वही सत्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और हम जब मसीह यीशु में हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम भी वो सत्य के मार्ग में चलें और उस स्वर्गीय स्वभाव को पाएं जो हमारे स्वर्गीय पिता का है। इतिहास हमारे सामने प्रकट करता है कि मनुष्य ने परमेश्वर के दिए ज्ञान के द्वारा बहुत सारी चीजों को प्राप्त किया है, लेकिन गिरा हुआ मनुष्य जो पाप का गुलाम है, वो कभी भी ईश्वरीय मापदंड के अनुसार सत्य के मार्ग में अपने बलबूते से नहीं चल सकता, क्योंकि उसके अंदर गिरा हुआ स्वभाव है। मनुष्य उसे जैसे लगता है वो चलता है, कई बार उसे लगता है कि वो पवित्र तौर पर चल रहा है, कभी उसे लगता है मैं सत्य मार्ग में चल रहा हूं, लेकिन वो उसकी सोच है और अपने प्रयास के अनुसार अपने मार्गों को सत्य या पवित्र कहता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर के ठहराए हुए सत्य के मार्ग में चलना है तो परमेश्वर की आत्मा ने उसे उस मार्ग में अगुवाई करना है। कई बार कई विश्वासी कुछ साल विश्वास में जीवन बिताने के बाद वो सोचने लगते हैं कि हम अब इस मार्ग में खुद चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पिछले दिनों के अनुभव हैं। लेकिन इस नए जीवन में एक व्यक्ति ने जांच कर देखना है कि जिस मार्ग में वो चल रहा है क्या वो सत्य का मार्ग है, और उसके लिए परमेश्वर का वचन ही प्रकाश देता है। क्योंकि हमारे मार्ग में हमें बहुत ध्यान रखना है, हमारा बहुत कीमती एक जीवन है। हम इस जीवन के मार्ग में, सत्य के मार्ग में अपनी भावनाओं में, जोश में नहीं चल सकते, लेकिन वचन में दिए गए उस नियम के अनुसार अगर हम समर्पण करें तो ही हम चल पाएंगे। सो इसलिए एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर का वचन सीखना अति आवश्यक है, ताकि वो उसके मन में आने वाले हरेक विचारों को वो जान सके। कई तो परमेश्वर के वचन से भटक गए, उन्हें लगा कि आत्मा उन्हें अगुवाई कर रही। ध्यान रखे, परमेश्वर की आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन से हमें अलग नहीं चलाएगी।
अनंत जीवन जो परमेश्वर का है वो हमारे अंदर तभी बना रहेगा अगर हम सत्य के मार्ग में चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा सिर्फ सत्य का मार्ग बताता नहीं, वरन हमारे जीवन यात्रा में उस मार्ग में हमारे साथ है। इसीलिए तो परमेश्वर की आत्मा हमारे इस मिट्टी के शरीर में हमारे साथ वास कर रहा है। पुराने नियम में यही परमेश्वर का आत्मा चुने हुए लोगों के ऊपर आता था और कई सामर्थ्य के काम उनके द्वारा करता था, लेकिन आज वही परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है, कुछ चमत्कार करने के लिए नहीं, वरन हमें सत्य के मार्ग में स्वर्ग के मापदंड के अनुसार चलाना चाहता है। आज बहुत से लोग अजीब और अचंभे काम करने का अभिषेक पाना चाहते हैं, लेकिन वो सत्य के मार्ग में चलना नहीं चाहते क्योंकि वो कठिन है। इस सत्य का मार्ग हमें आराम का जिंदगी वायदा नहीं करता, लेकिन इस मार्ग का अंत बहुत मीठा है क्योंकि अनंत जीवन मिलता है। हम कितने सौभाग्य हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमें सत्य के मार्ग में चलाने के लिए, जीवन के हर कदम में हमें चलाने के लिए हमारे साथ है। परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि हम अपने दौड़ को स्थिरता से दौड़ कर पूरा करें। हमें वचन सिखाने के लिए परमेश्वर के दास दासी लोग हैं जो हमें वचन सिखाते हैं, अगुवाई भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखें, हमने आंख बंद कर किसी पर भरोसा नहीं, हर बात को वचन के अनुसार जांच कर देखना है कि क्या जो वचन प्रचार किया जा रहा है उसके अनुसार उनका जीवन भी है। बेरिया की कलीसिया को जरा देखे, पहले शताब्दी में कैसे प्रेरितों को भी वो जांचते थे कि जो भी प्रचार किया जा रहा है क्या वो व्यवस्था के या वचन के अनुसार है या नहीं। आइए इन दिनों में अच्छी अच्छी गवाहियां सुनकर, अच्छी अच्छी बातें सुनकर, अच्छी कहानियां सुनकर, ज्ञान की बात कर बातें सुनकर हम भटक ना जाए। सत्य का मार्ग बेशक कड़वा लगता है तो भी उसमें जीवन है, हमें मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठने में मदद करेगा। सो आइए इन दिनों में आइए हम सत्य को पवित्रता की तरह ही प्यार करें और स्वर्गीय स्थानों का वो अनुभव को अनुभव करें। परमेश्वर की आत्मा उसके लिए हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। बाप, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, ये सत्य के आत्मा के लिए धन्यवाद जो हमें हर सत्य में चलाने के लिए इस मिट्टी के भवन में हमारे साथ है। बाप, हर बात को वचन के अनुसार जांचते हुए, इस सत्य के मार्ग में सत्य को प्यार करते हुए, सत्य के लिए जीने के लिए हम एक एक को मन दे प्रभु, ताकि स्वर्गीय स्थानों का वो आनंद का अनुभव हम आज ही अनुभव कर सके। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, भावुक होकर चलने के लिए नहीं, वरना आपकी आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए हमें सहायता कर। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।